Previously on Yash Empire Channel. Last to live on this sofa wins 1,000 rupees. हमें आगे 5 चैलेंजेस आने वाले हैं और हर चैलेंज पे हमें 200 रुपीज मिलने वाले हैं। हमारे पास 3 चांसेस होते हैं नीचे उतरने के लिए। चैलेंज नंबर 3। 15 मिनट्स के लिए हम दोनों को बिल्कुल शांत रहना है। हमें फिर से नीचे उतरना पड़ा क्योंकि नीचे कुछ प्रोग्राम शुरू था और उसके लिए 2 बॉयज नीडेड थे। अमन ने बोल दिया सेकंड चैलेंज मैं जीत गया हूँ अमन, लेकिन अमन को पूरे के पूरे 1,000 रुपीज मिलने वाले हैं। और देखिए नीचे, वाओ गाइस, देखिए सुबह एक फोटो निकाला था, वो फोटो देखिए कितना अच्छा बनाया, सब ने मिलके बनाया था सुबह, आप उसका टाइम लैप्स भी देखना। ये गोवर्धन महाराज है हमारे मथुरा में, इनका पर्वत है गोवर्धन पर्वत, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगलियों पे उठाया था। आज हमने ये गोवर्धन महाराज बनाए हैं इधर, हम उनकी जो है पूजा करेंगे और उनके साथ परिक्रमा देंगे। वहाँ पे फटाका फोड़ने वाले हैं बहुत जोर से। इलियास हो गए हैं, हमने डिनर भी कर लिया है और बैठ जाओ। अभी हमारे पास 0 चांसेस है। कैमरा टेढ़ा क्यों है? अगर हमारा आधा पार्ट नीचे ही होगा तो ओके। तो मुझे बहुत जोर से ये लगाए। इस वीडियो पे जितने व्यूज आएंगे उतने ज्यादा रुपए हम उनको दूंगा। हंड्रेड यूज कर दो, हम उनको और 100 रुपए दूंगा। रात के 10:30 बजे है और हम अभी चैलेंज कर रहे हैं। आपको दिखाओ क्या वो खिड़की? देखो गाइस, वो खिड़की पूरी काली हो गई है। तो नेक्स्ट चैलेंज है हॉरर स्टोरी बताने के लिए, लेकिन हॉरर के लिए माहौल अच्छा नहीं है इसलिए ओके। तो अमन को बहुत जोर से टॉयलेट आई है। जिसकी स्टोरी अच्छी होगी वो जीत जाएगा। एक गांव होता था, उस गांव में सब ऐसे बुड्ढे थे जिनके बाल व्हाइट थे, मतलब वो व्हाइट थे नहीं, वो व्हाइट नहीं थे बट उनके बाल व्हाइट थे। बुड्ढे के मराठी में व्हाइट का मीनिंग गलत होता है, पांडा, और व्हाइट इंग्लिश में व्हाइट का मीनिंग व्हाइट होता है। तो तुम कौन से व्हाइट की बात कर रहे हो? मैं व्हाइट व्हाइट कलर, अच्छा व्हाइट कलर की बात कर रहा है, मतलब वो टिकटॉक करने से वो ये फनी हो गया। एक इंसान था, उसका नाम बहुत फनी है बट मैं बोल दूं उस तालो। फिर उसके साथ बार बार तांडव होते थे। तो उस मंत्री का नाम था संतरी। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी तांत्रिक। सॉरी, स्टोरी खत्म हो गई और वो स्टोरी लिटरली 30 मिनट्स की थी। तो मुझे तो कुछ आता नहीं, ये पॉइंट मैं अमन को ही देना चाहूंगा क्योंकि मैं इतना सोच नहीं सकता। अगर आपने पार्ट 2 देखा है तो आपको याद होगा अमन को मैंने 100 रुपीज दिए थे नीचे उतरने का एक चांस गंवाने के लिए, लेकिन उसने वो 100 रुपीज मुझे फिर से दे दिए और नीचे उतर गया क्योंकि चैलेंज नंबर 6 है थंब फाइट, बट दोनों हाथों से। 1, 2, 3, go. Round one, two, three, yes. One, two, three. Okay, this is my time. Round 3.
दर्द होता है बहुत, अमन ने सिक्के से पकड़ लेते हैं पता नहीं।